गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल सना व्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल और मैं हूँ सना आपकी दोस्त। तो गाइज आज मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी अपना डिनर रूटीन व्लॉग और ये इवनिंग टू लेट नाइट डिनर रूटीन है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते और बहुत से लोग इसे घिया भी बोलते हैं, हम भी उन्हीं में से हैं, हम इसे घिया बोलते हैं। तो यहाँ मैंने ली हैं 2 मीडियम साइज़ की घिया और बस मैंने उनको छील कर और यहाँ पर कद्दूकस कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे मेरे घिया के कोफ्ते। तो यहाँ पे देखिए कद्दूकस कर ली है मैंने अपनी घिया और देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। जब तक मेरा ऑयल गर्म होगा तब तक मैं उसमें मसाले ऐड कर लूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा ही ऑयल डाला था क्योंकि मुझे इसी में फिर सब्ज़ी भी बनानी थी। तो जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं अपना ये पेस्ट है जो रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने राजधानी बेसन यूज़ किया है और बेसन डालने के बाद मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर लिया है। देन उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप हल्दी स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हैं, बट मुझे कोफ्ते में थोड़ी हल्दी अच्छी लगती है क्योंकि मुझे ये बिल्कुल अजीब से लगते हैं विदाउट हल्दी के। अगर आप नहीं डालना पसंद करते तो आप अवॉइड कर सकते हो। तो बस थोड़ी सी हींग डालकर और मैंने इसको मिलाना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही जल्दी मिल जाता है, ऐसा टाइम नहीं लगता है कि काफ़ी देर लगेगी आपको। और यहाँ पे मेरा तेल जो है वो गर्म हो गया था। आपको बिल्कुल तेज गर्म पे नहीं डालना है, मीडियम गर्म पे ही इसको तलने हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आप तेज़ आंच पर इनको पकाएंगे तो ये बिल्कुल काले काले हो जाएंगे, तो आपको मीडियम फ्लेम पर ही इनको निकालना है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं और हम राउंड शेप के नहीं बनाते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को अच्छे नहीं लगते हैं राउंड शेप के, और उनको थोड़े पकौड़ी स्टाइल में ही अच्छे लगते हैं और वो वैसे भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी पकौड़ियाँ जो हैं वो निकल चुकी हैं, मैंने इनको साइड में रख दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं छौंक की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने नहीं लिया है, सिंपल से लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, कुछ हरी मिर्चें हैं और कुछ लहसुन की कलियाँ हैं। तो प्याज को तो मैं मोटा मोटा चॉप कर लूँगी और हरी मिर्चों को भी बीच में से एक दो पीस कट कर लूँगी और लहसुन मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे देखिए लहसुन है, हरी मिर्चें हैं और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। तो इनको मैं यहाँ पर इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, देन उसके बाद इनको मिक्सचर में पीस लूँगी। और लहसुन को मैंने इसीलिए नहीं कट किया, आप सब जानते हो मिक्सर में अच्छे से पीस जाते हैं। और यहाँ पर मैं बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाऊँगी, हल्का सा दरदरा छोड़ना है, इसलिए इनको थोड़ी देर के लिए ही मिक्सचर में पीसना है। पीसने के बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद ये जो पेस्ट है वो इसमें मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मुझे ये जो इसकी धुआँ निकलती है, भाप निकलती है, वो मेरे हाथ में लग गई थी। तो बस मैं बाकी सबको इसको अच्छे से निकाल दूँगी और अच्छे से इसको भून लूँगी। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पे जब तक ये भून रहा है तब तक मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को भी मोटा मोटा चॉप कर लूँगी यहाँ पर। और गैस का फ्लेम अभी हाई पे ही है और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिम कर दिया है और उसके बाद मैंने ऐड कर दिए हैं। तो मसालों में मैंने यहाँ डाले हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। और फटाफट से मैं टमाटरों को इसमें डाल करके इसमें पीस लूँगी और थोड़ी ही देर में ये पीस गए थे क्योंकि मुझे बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना था और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर रखा है। तो यहाँ पर ये पेस्ट बनने के बाद इसे भी मैंने इसी में ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं ऐड करने के बाद बहुत ही ज़्यादा यम्मी से लग रहे थे अभी। और इसमें हल्का सा पानी डालकर मैंने इसमें डाल दिया है मसाले में और गैस का फ्लेम मैंने सिम कर रखा है। और यहाँ जो भी बर्तन थे अभी मेरे खाने बनाने के वक्त उन्हें मैं क्लीन करके रख दूंगी, तो इससे काम फटाफट से साथ साथ होता चला जाता है। तो यहाँ देखिए ये जो बर्तन लगे हुए थे ये सब कुछ ऐसे ही फैले हुए थे क्योंकि हम वॉश करते जाते हैं और रखते जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने काउंटर टॉप को खाली कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे रोटियाँ वगैरह भी बनानी है और थोड़ी सी साफ़ किचन थोड़ी अच्छी लगती है और काम करने में भी थोड़ा सा मज़ा आता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए जो भी बर्तन मेरे क्लीन हो चुके थे, साफ़ थे, उन्हें मैंने उठाकर रख दिया है और यहाँ पर मैं गैस पर और स्लैब पर अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो ये देखिए इसमें कितने अच्छे से तेल छोड़ दिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। तो पानी की कंसिस्टेंसी आपको ऐसी, ये क्यों लाए हो आप? नहीं मैं डाइट पे हूँ। मम्मी खाई गया ना मम? तो
मैं मोटी हो जाऊंगी भाई, डॉक्टर डॉक्टर मना करता है। ये जब भी तो लाते हैं चीज की हाँ खाएगी तो है नहीं, है ना? नहीं क्या क्या कह रहे हो? किस चीज के? खा लो ठीक गाइस। हस्बैंड जी ले आए थे मोमोज और बर्गर लाए थे, तो बर्गर तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया था और मोमोज खाए थे बस टेस्ट के लिए, वो भी सिर्फ दो ही खाए थे और मैं उठ चुकी थी, वरना फिर बैठी रहती तो फिर और खाती रहती और मेरा डाइट प्लान बिल्कुल खराब हो जाता। सब्जी मैंने बना ली और आटा मैंने गूंद दिया है, हाँ, और मोमोज भी खा लिया, चीटिंग कर लिया आज मैंने, सॉरी। तो लाइट भी मैंने बंद कर रखी है, मैं आई हूँ प्रेस लेने के लिए। प्रेस है ना, मेरे हस्बैंड जी ने ठीक कराई थी, ये मेरी शादी वाली प्रेस है और अभी तक ख़राब नहीं हुई थी, बट ये पता नहीं अब की बार ऐसी ख़राब हुई कि उसको दिखा दिया, किसको जो ठीक करते हैं दुकान पे, पॉलीथिन में डाल दो, ऐसे नहीं ले जाएंगे। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ मैं कहती ये प्रेस ना ठीक करवा दी और उसके बाद भी है ना इसमें पता नहीं क्या हुआ, इससे चुन्नी तक प्रेस ना हो, मतलब और शर्ट और पैंट की तो जीन्स की तो बात ही छोड़ो, इससे चुन्नी तक प्रेस ना हो। मिल गया कुछ तो मिला है, पता नहीं क्या है, मतलब ये इसमें आ जाएगी। चलो मैं ये प्रेस डाल दूँ, आप कहाँ पे बैठोगे? चलो यहाँ पे ही बैठ जाओ आप, इसको कर दूँ मैं फोल्ड। करा के भी लाया, इतने दिनों बाद करा के लाया, और ये ना दो है ऊपर जगह पंखे लगाने की, तो हमने एक साइड ही लगा रखा है, एक साइड नहीं लगा रखा है। चलो भाई एक सेकेंड ना, हाँ तो अब मैंने इसमें डाल दी है प्रेस, अब ले जाएंगे सर जी, बहुत मतलब इतने बड़े काम चोर हैं लेके नहीं जाते हैं कि चल मैं ले जाऊं करा लाऊं। बंद कर दूं मैं गेट, लाइट, कितने सारे काम होते हैं, तो आएंगे ना तो लेके नहीं जाएंगे फिर। ये लो। तो यहाँ देखिए गाइस, टाइम हो गया था लगभग 9:30 बज रहे थे और मैंने रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था, और इतनी लेट इसीलिए हो गया क्योंकि हमने मोमोज खा लिए थे, तो मम्मी और इनका भी पेट थोड़ा भरा हुआ था, तो बट रोटियाँ तो खानी ही थी, तो इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ तीन रोटियाँ बनाई थी एक एक हम तीनों के लिए, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता। और बस फटाफट से रोटियाँ बनाने के बाद आप सबको पता ही है थोड़ा सा टाइम लगता है, दोनों के बाद अब मैं वहाँ पर अपनी तीनों की प्लेट लगा रही हूँ खाने के लिए। तीन कटोरे मैंने सब्जी डाली है और जो बची है उसे मैं अभी ट्रांसफ़र करके रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में ये ऐसा फटाफट से खाना खा के हटो और बर्तन क्लीन करने का काम रहता है, इसीलिए मैं फटाफट कभी करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ अपने लिए खाना, और यहाँ पे हो गया है हमारा डिनर। डिनर करने के बाद सिर्फ एक ही काम बचता है, बर्तन क्लीन करने का, और फटाफट से वो भी हो गया था क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ हम तीन लोग ही हैं, ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते और मैं साथ के साथ वॉश करती भी रहती हूँ, तो इसीलिए फटाफट से मेरा काम फिनिश हो गया था। उसके बाद हम चले गए थे ऊपर। हाय गाइस, तो अभी रात के बज रहे हैं 10 और हम छत पे घूमने आए हैं, तो पीछे तो बिल्कुल अंधेरा है आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे नीचे जो सीढ़ियों का बल्ब होता है ना वो जला रखा है, तो इसलिए थोड़ी सी रोशनी आ रही है। और मैं यहाँ पर बैठी हूँ, ये गेट देखो दिख रहा है, ये जो गेट है मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, और मेरे हस्बैंड भी घूम रहे थे साथ में, बट मुझे मैंने दिन में बताया था कि मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है, जो मेरी अक्कल वाली दाढ़ होती है जो वो आ रही है, तो मुझे पेन हो रहा है, तो इससे मैंने उनको बोला कि आप जाओ मेरे लिए मेडिसिन ला दो। तो बस सामने यहाँ पे रोड क्रॉस करते ही एक केमिस्ट की शॉप खुली हुई थी, तो बस उनको वहाँ पे भेज दिया, दवाई लेने के लिए गए हैं और बस आ रहे हैं अभी।
तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। यहाँ पे मैं शूट क्या करूँ, रात में ना कुछ भी शूट ही नहीं हो पाता है क्योंकि अंधेरा इतना है ना यहाँ पे, और कुछ दिखाई नहीं देगा तो फिर क्या शूट करना। आ रहे हैं, देखो आवाज़ आ रही है, ऊपर ही ले आओ दवाई सारी ले के चलेंगे फिर बाद में। थक गए आप? हाय वो भी मिल गई मेरी विटामिन ई। थका दियो, इतनी सी दूर में थक गए आप, हद होती है। तो सीढ़ी चढ़ के आए तो